बहुत ऊंची बात है सूक्ष्म। आप ध्यान भजन साधना करते हैं, दीक्षा लिया है, हाथ ऊपर करो जिन्होंने दीक्षा ली। हाँ ठीक है, दीक्षित हैं तो इसलिए ये मैं ऊंची बात आपको कहता हूँ। बाकी आम आदमी को ये बात कहेंगे तो वो समझेगा भी नहीं, इतनी ऊंची बात है, पल्ले नहीं पड़ेगा, ऊपर से चला जाएगा। आप दीक्षित हैं, मंत्र जप करते हैं, आश्रम के दिव्य परमाणु में बैठे हैं, तो ये बात सुनने की क्षमता है आपकी बुद्धि में, अधिकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आम आदमी को तो समझाने का कोई सवाल ही नहीं होता, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या समझाया जा रहा है। एकदम ये PhD लेवल की बात है। गहरी शांति, मधुर शांति, परमात्म शांति में अपने मन बुद्धि को तल्लीन हो जाने दें। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, रब जागत है तू सोवत है, मोह निशा सब सोवन हरा, देखई स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। एक एक दिन, एक एक महीना, वर्ष, मिनट, सेकंड, अमूल्य समय, आयुष्य नष्ट हो रहा है। काल चिड़िया चुग रही, निष्दिन आयु खेत। ये काल रूपी चिड़िया निष्दिन आयुष्य रूपी खेत चुग रही है, और मनुष्य है कि इससे बेखबर हुआ बैठा है। भगवान कृष्ण छठे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः
नाति उच्चम नाति नीचम चैलाजी न कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। झाड़ू बुहारी से घर की शुद्धि, स्नान से शरीर की शुद्धि, साबुन पानी और सर्फ ब्रश से कपड़े की शुद्धि, ठीक वैसे ही ध्यान योग से मन की शुद्धि होती है। योग अंतःकरण को, मन को, चित्त को शुद्ध कर देता है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन मचलम स्थिरः। काया सिर और गले को एक सीधी लाइन में रखना, ऐसा भगवान ने 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन मचलम स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानलवयोकलोकयन। काया सिर और गले को समान और अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग में देखता हुआ, आप लोगों ने भगवान शंकर का चित्र या मूर्ति देखी होगी, आधी आँख खुली आधी आँख बंद। पूरी आँख बंद करते हैं तब भी शक्ति का ह्रास होता है, पूरी खोलते हैं तब भी शक्ति बिखरती है। पूरी आँख बंद करते हैं तो नींद आने की संभावना होती और तंद्रा में मन चला जाता है। तो आधी आँख खुली आधी आँख बंद करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर इधर उधर न देखता हुआ वह साधक एकाग्र मन से अभ्यास करे, ऐसा योगी मुझे प्रिय है। तो ये 13वां अध्याय, 12वां अध्याय और 11वां अध्याय, इसमें भगवान ने ये बात कही है। एकाग्रता सबसे बड़े में बड़ा तप है। तपहशु सर्वेशु एकाग्रता परम तपह। सारी तपस्याओं में एकाग्रता परम तप है। मन ही बंधन, मन ही मुक्ति का कारण है। भटकते हुए मन को जिसने एकाग्र करने की कला सीख ली, बिखरती हुई वृत्तियों को जिसने साध लिया, रोक लिया, थाम लिया, वह साधक अति विशिष्ट अनुभवों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ध्यान योग साधना शिविर का जो अभ्यास करते हैं उन लोगों को कभी कभी पीठ में कोई चींटी चल रही है ऐसा भान होता है, कभी कभार शरीर भारी भारी लगने लगता है, कभी कभी श्वास एकदम कम चलता है ऐसा महसूस होता है। ये इसलिए क्यों ध्यान योग से उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन प्राण ये सब सम हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। वो एकाग्रता के अभ्यास जैसा कोई सुख नहीं।
नास्ति नादात परो मंत्रो, नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। कुछ लोगों को आज मैंने वो नाद क्या है वो सुनवाया था गुफा में, एकदम पतला पतला ब्रह्मनाद, आदि अनादि नाद क्या होता है वो मैंने उनको समझाया था। उस नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। योग शिखाओ उपनिषद में ये मंत्र आया है, नास्ति नादात परो मंत्रो, न देवः स्वात्मनः परः। अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र बृहस्पति कुबेर आदि जितने भी देवी देवता हैं वो सब बिना ब्रह्म के उनका कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा को जानने वाला उन देवताओं को जान लेता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को किसी देवी देवता की शरण जाने की जरूरत नहीं। आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाने पर सारी पूजा उपासना आराधना योग जप व्रत तीर्थ ये सारे धार्मिक अनुष्ठान सब संपन्न हो जाते हैं। न देवः स्वात्मनः परः, नानुसंधे परा पूजा। उस नाद और ब्रह्म की अनुसंधि से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। नाद और ब्रह्म, जो नाद सुना था सुबह, और ब्रह्म जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है, उसी ब्रह्म की शक्ति मन में आती है, मन की शक्ति इंद्रियों में आती है, और इंद्रियों की शक्ति से हम लोग और सारा प्राणी मात्र समुदाय अपने अपने अलग अलग कर्म में प्रवृत्त होता है। पंच ज्ञानेंद्रियां जीभ दो काम करती है, बोलने का भी और खारा खट्टा तीखा मीठा फीका चखने का भी। ये दोनों काम हमारी जिह्वा के हैं। तो इसमें रसनेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों काम हमारी जीभ से होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों में ये पंच ज्ञानेंद्रियां आँख नाक कान जीभ और स्पर्श इंद्रिय, कर्मेंद्रियों में पांव हाथ, जीभ भी कर्मेंद्रिय में आती है, बोलने का कर्म जीभ से होता। तो ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को शक्ति देने वाला मन है, बुद्धि को शक्ति देने वाला मन है। मन सो जाता है तो बुद्धि कोई विचार नहीं कर सकती, और इंद्रियां न देख सकती न सुन सकती। हे मोहनलाल, हे मोहन भाई, मोहनलाल सुन रहे हो कि नहीं? मोहनलाल, कमरे में 25 आदमी सोए लेकिन मोहनलाल उठ खड़ा होता है जब उसका मन जागता है। जब मन सो रहा है तब मोहनलाल नहीं सुनता, और मन जब जागता है, हाँ 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 बोलो कौन है क्या है, तो जब मन जागा तो उसकी ज्ञानेंद्रिय ने काम किया, उसकी बुद्धि में चैतन्य शक्ति काम की और समझने की शक्ति आई कि हाँ कोई मुझे बुला रहा है।
मन सो रहा था तब दो तीन बार चार बार बुलाया, नहीं सुना, जोर से बुलाया, हे मोहनलाल, जाग गया मन, जागा, उसने बुद्धि को ताकत दी, बुद्धि ने चिंतन किया और उसकी सेंसिटिविटी एक्टिवेट हो गई और ग्रास्पिंग पावर क्रिएट हो गया और उसने समझा कि हाँ, ये मुझे बुला रहा है। सो रहा था, मुंह खुला था, मुंह खुले में रसगुल्ला का टुकड़ा तोड़ के डाल दिया मनोज भाई ने, लेकिन आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि मन सो रहा था। मनोज भाई ने मोहन भाई के मुंह में वो रसगुल्ले का टुकड़ा डाला, तब तक स्वाद नहीं आया जब तक मन सो रहा था। मन जगा, मीठा मीठा लग रहा है, 5 मिनट पहले डाला है, अब क्यों लगा? क्योंकि मन अभी जागृत हुआ है, इससे पहले सो रहा था तो स्वाद नहीं आ रहा था। तो उस मन को शक्ति देने वाला आत्मा ब्रह्म है। जो ब्रह्म मन को, बुद्धि को शक्ति देता है और बाईपास या थ्रू एनर्जी मन और बुद्धि से होकर के इंद्रिय रूपी बल्ब ट्यूब लाइट तक पहुंचती है, तो वो पावर हाउस है ब्रह्म आत्मा, वो है पावर हाउस। और ये मन बुद्धि है इसकी स्विच। वो स्विच चालू किया तो ये बल्ब ट्यूब लाइट आँख के, नाक के, जीभ के, कान के, हाथ के, पाँव के चालू हुए। मन सो गया गहरी नींद में तो आँखें कईयों की खुली रह जाती तो भी देख नहीं पाते। मुंह फटा रह जाता है, रसगुल्ला डालो तो भी स्वाद नहीं आता है, क्योंकि वो जो स्विच है मन का वो बंद है, सोया हुआ है। तो ब्रह्म वो पावर हाउस है, जिस ब्रह्म की शक्ति मन को और बुद्धि को जाती है। बहुत ऊंची बात है, सूक्ष्म। आप ध्यान भजन साधना करते हैं, दीक्षा लिया है हाथ ऊपर करो, जिन्होंने दीक्षा लिया, हाँ ठीक है, दीक्षित हैं, तो इसलिए ये मैं ऊंची बात आपको कहता हूँ। बाकी आम आदमी को ये बात कहेंगे तो वो समझेगा भी नहीं, इतनी ऊंची बात है, पल्ले नहीं पड़ेगा, ऊपर से चला जाएगा। आप दीक्षित हैं, मंत्र जप करते हैं, आश्रम के दिव्य परमाणु में बैठे हैं, तो ये बात सुनने की क्षमता है आपकी बुद्धि में, अधिकारी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आम आदमी को तो समझाने का कोई सवाल ही नहीं होता, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या समझाया जा रहा है, एकदम ये PhD लेवल की बात है। तो जो आत्मा परमात्मा हमारे मन बुद्धि को प्रकाशित करता है, शक्ति देता है, और इंद्रियां जिससे करंट लेती है, वो ही आत्मा परमात्मा ब्रह्मा जी को शक्ति देता है, और ब्रह्मा जी इस विश्व को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करते। वही ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में शक्ति देता है, इसलिए विष्णु इस जगत का पालन करते। वही ब्रह्म भगवान शंकर को भी शक्ति देता है, इसलिए शिव जी जगत का संहार करने की शक्ति ले आते। वो सबते ऊंचा, तो शंकर भगवान भी देखो तो ध्यान करते, शंकर सहज स्वरूप संभारा,
लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान ने अपने स्वरूप का स्मरण किया। स्वरूप माने मतलब वही ब्रह्म कहो, परब्रह्म कहो, आत्मा कहो, उनको ऐसी समाधि लगी कि अखंड, न खंडम इति अखंडम, खंडित नहीं हुई, लगी तो ऐसी लगी। तो सद्गुरु के मंत्र से आपको वो अंतर का सुख मिलता है। वो अंतर का सुख मिलता है तो जगत का जो तुच्छ सुख है वो एकदम असार हो जाता है। इसलिए जिनको विवेक और वैराग्य आ गया, ऐसे महाराज योगी लोग इंद्र के पद को भी तुच्छ समझते। इंद्रमति रंकवत भाषित, 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र का पद मिल जाए इतना ऊंचा, तो भी जिनको वो अंदर का आनंद मिला है बोले क्या है, तुच्छ है। न तत् सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्तीनाम, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिन। कि वह सुख देवताओं के राजा इंद्र को नहीं। आजकल तो चक्रवर्ती राजा बनना बहुत मुश्किल है, पहले के जमाने में तो बन जाते थे, रजवाड़े थे तब, मतलब चारों ओर जिसका साम्राज्य हो उसको चक्रवर्ती राजा बोलते। आजकल तो प्रधानमंत्री बन गए तो भी नीचे गिराने वाले लोग रहते हैं, दूसरी पार्टी वाले कुछ का कुछ कार्टून छाप देते हैं, प्रियम का भी अखबार वाले मैगजीन वाले कार्टून बना देते, तो ऐसा इंसल्ट कर देते। लेकिन वो जो चक्रवर्ती राजा का पद है, ऐसा पद अपरंपार साम्राज्य ऐश्वर्य जमीन जायदाद ये सब मिल जाने के बाद भी वो योगी के आगे वो चक्रवर्ती राजा का पद भी तुच्छ है। ऐसा ऊंचा सुख मिलता है योगी को। फिर किसी को भी वो पराया नहीं समझता, पूरा ब्रह्मांड उसको अपने में भासित होता है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा, द्वे विद्धे वेदितव्ये शब्द ब्रह्मम परम चयत, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्म दिगच्छति। दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक शब्द ब्रह्म दूसरा परब्रह्म। कि जो शब्द ब्रह्म को सुन लेता है उसका परब्रह्म में भी प्रवेश हो जाता है। कि नाद को सुनते 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 शांति से एकांत जगह पे बैठे, आंखें बंद करके ध्यान लगाया, आधा घंटा घंटा दो घंटा तीन घंटा कहाँ बीत गया पता नहीं चलता। पहले पहले मुश्किल होती है थोड़ी, लेकिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाता है तो अंदर से ऐसा आनंद आने लगता है, ऐसी मस्ती ऐसी खुशी, ओहो ऐसा ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता, इतना सारा आनंद 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 और इतना भीतरी संतोष मिलने लगता है, आत्मसंतोष की, ओहो लड्डू पूड़ी हलवा मेवा मिठाई बर्फी क्या ही खीर क्या मालपुआ क्या समोसा क्या न पकौड़ी कचौड़ी क्या न, वो सारा स्वाद और उसकी तृप्ति इसके सामने कुछ नहीं जैसा वो भगवान के भजन में और भगवान के नाम में और भगवान के ध्यान में तो ऐसा आनंद आता है, उसका अगर 3 मिनट भी आप अनुभव कर लो तो जगत को भूल जाओ और परमात्मा के आनंद के नशे में मस्त रहो। आसोद सुद 2 दिवस संवत 20-21 मध्यान्ह 2:30 बजे मिला ईस से। इस हकीकत में ये जीव शिव स्वरूप ही है, आत्मा ही है, लेकिन
माया का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो अपना निज स्वरूप भूल बैठा, मानने लगा मैं गीता हूँ, मैं सीता देवी हूँ, गीता हूँ सरला हूँ, ममता हूँ सरला हूँ, मोहन हूँ सोहन हूँ, रमेश हूँ महेश हूँ, ये सब मान मान के फिर बोले मैं पटेल हूँ, फिर बोले हैदराबादी हूँ, अहमदाबादी हूँ, गुजराती हूँ, मैं हिमाचल का हूँ तो हिमाचली हूँ। हकीकत में क्या है ये तो पता ही नहीं। और ये जो नकली मान मान के सुना उसी को मान के देहाध्यास हो गया, इसी को देहाध्यास कहते हैं। जिसको अपने शरीर में अध्यास होता है उसको देहाध्यासी कहते हैं। तो जिसका देहाध्यास गलित हो गया, गलिते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, जिसका देहाध्यास गल गया और परमात्मा के तत्व को रहस्य को जिसने भली भांति समझ लिया, फिर उसका कहीं भी मन जाए आनंद ही आनंद है।